Dear students, Assalamu alaikum. My name is Muhammad Usman and I'm your maths teacher. Today is 21st January 2021, day 9. Class 7th, आपको मालूम है, हम unit number 13 कर रहे हैं, geometrical construction और exercise 13b हमने start कर दी भी थी. Question 4 तक हमने solve कर लिए थे questions previous lectures में. आज question number 5 से onward. Okay बेटा? बल्कि question 5 के हमने 4 parts भी solve किए थे. Question number 5 का 5th part है. क्वेश्चन नंबर 5 था आइसोसेलिस ट्रायंगल आपने ड्रॉ करनी है. आइसोसेलिस ट्रायंगल वो ट्रायंगल होती है जिसकी टू साइड्स इक्वल होती हैं और टू एंगल्स टू बेस एंगल्स भी इक्वल होते हैं, आपको मालूम है. अब आपने ऐसी आइसोसेलिस ट्रायंगल ड्रॉ करनी है कि जिसमें एटीट्यूड 8 सेंटीमीटर हो और वर्टिकल एंगल 50 डिग्री हो. ओके बेटा, तो सबसे पहले आपने करना क्या, स्टेप 1, आपने अपनी मनपसंद AB एक लाइन ड्रॉ करनी है, जितने मर्जी सेंटीमीटर की ले लें, 10 सेंटीमीटर की, 12 की. यहाँ पे एक पॉइंट डी लेंगे और एक बिल्कुल स्ट्रेट परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे. ओके बेटा, उसके बाद एल्टीट्यूड है 8 सेंटीमीटर, कंपास के साथ स्केल को ऐसे ज्वाइन करना है और कंपास को 8 सेंटीमीटर तक ओपन कर लेना है. अब 8 सेंटीमीटर कंपास ओपन होने के बाद कंपास की नीडल यहाँ रखनी है और एक आर्क लगानी है. तो ये आर्क इस लाइन को जहां पे कट करेगी वो पॉइंट होगा सी. अंडरस्टैंड बेटा? तो ये कितनी आ गई लेंथ, सी से लेकर डी तक. जी हाँ, ये एल्टीट्यूड आया 8 सेंटीमीटर. ओके बेटा, गुड. अब आपने वर्टिकल एंगल ड्रॉ करना है 50 डिग्री का. आपको मालूम है कि अगर ये एक आइसोसेलिस ट्रायंगल है, आपको मालूम है ये टू साइड्स इक्वल है. ओके, आइसोसेलिस ट्रायंगल जिसकी टू साइड्स इक्वल होती है और ये जो टू बेस एंगल्स होते हैं ना, ये भी मैंने आपको बताया था, ये भी आपस में इक्वल होते हैं, टू बेस एंगल्स. और ये एंगल को कहते हैं वर्टिकल एंगल. कौन सा एंगल? वर्टिकल एंगल. अब वर्टिकल एंगल 50 डिग्री आपको दिया गया, मतलब ये एंगल कितना होगा 50 डिग्री. अब आपके पास जब यहाँ पे ट्राइंगल बनेगी इस तरह से, तो यहाँ पे टोटल एंगल 50 डिग्री का होना चाहिए था. तो 50 डिग्री का हाफ कितना होता है बेटा? 50 डिग्री को 2 पे डिवाइड करें ना, तो आता है 25 डिग्री. तो इट मींस आपने करना क्या है, सी पर आपने 25 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है, इस तरफ से भी और इस तरफ से भी. आपका ये जो प्रोटेक्टर है आपने इसको यहाँ पे एडजस्ट करना है इसके ऊपर के पॉइंट ओ पॉइंट सी पर आता हो. ओके, तो 25 डिग्री के ऊपर जहां पे भी मार्क आता होगा 10, 20, 30, 20 और 30 के दरमियान में यहाँ पे 25 होगा, आपने इसके ऊपर पॉइंट लगा देना है. ठीक है, तो वो पॉइंट फर्स्ट करें कहाँ पे आ रहा था, यहाँ पे आ रहा था. इसी तरह आपने 25 डिग्री इसी इसको ये आपने दोबारा से इस तरफ घुमा के ऐसे रख देना प्रोटेक्टर को, पॉइंट हो यहाँ पर आता हो और ये लाइन इस लाइन के ऊपर आती है, ये वाली लाइन. और रीडिंग नोट करेंगे 10, 20, 30, 20 और 30 के दरमियान में 25 डिग्री होगा, उसके 25 डिग्री के ऊपर पॉइंट लगाना आपने, तो वो आपका पॉइंट यहाँ पे आता होगा, फॉर एग्जांपल. ओके, अब आपने पॉइंट सी को इस पॉइंट से जॉइन करते हुए आपने नीचे तक लेकर आना है यहाँ तक. ठीक है, अगर आपके पास यहाँ पे लाइन ना बन रही हो तो इसको रबर से आप इरेज करें और इस लाइन को प्रोड्यूस करते और बड़ा करते बेटा. ओके, और इसी तरह इस लाइन को भी अगर प्रोड्यूस करना तो प्रोड्यूस कर सकते हैं आप लेजर के साथ. ये देखिए, इस पॉइंट में से पास की है लाइन और सीधी सीधी जाती जा रही है. चलिए इसको प्रोड्यूस कर दें और यहाँ पे इसको यहाँ पे ज्वाइन कर दें. ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा. तो ये देखिए, ए बी सी आपको एक ट्रायंगल मिल गई जहाँ पे ये एंगल भी 25 डिग्री का है और ये एंगल भी 25 डिग्री का होगा. आई होप बेटा आपको बहुत अच्छी समझ आ गई होगी और ट्राइंगल ए बी सी इज द रिक्वायर्ड आइसोसेलिस ट्राइंगल बन जाएगी. तो बेटा अब आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है घर में बहुत ज्यादा. ठीक है, इसी तरह का मेथड जो है पार्ट नंबर 7 है. एल्टीट्यूड 9.5 सेंटीमीटर है और वर्टिकल एंगल 35 डिग्री का है. सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे, जितनी मर्जी लेंथ की ले लें, पॉइंट डी लेंगे, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे. ठीक है, परपेंडिकुलर लाइन. अब आपने 9.5 सेंटीमीटर कंपास ओपन करनी है, उसको डी पे रख के एक आर्क लगा देनी है. ये सी आ जाएगा और ये सी डी आ जाएगा 9.5 सेंटीमीटर की एल्टीट्यूड. अब वर्टिकल एंगल 35 डिग्री का है, मतलब ये टोटल एंगल यहाँ पे 35 डिग्री होगा. ये देखिए, ये टोटल 25 हो गया ना, 25 + 25 = 50. तो ये जो आपके पास ट्राइंगल बनेगी, इस ट्राइंगल का नाम है ए बी सी ट्राइंगल. ठीक है, तो यही आपकी क्या है, रिक्वायर्ड आइसोसेलिस ट्राइंगल. लो बेटा, आज आपने सीखा एल्टीट्यूड और वर्टिकल एंगल दिया हो तो किस
तरह से हम आइसोसेलेस ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। बेशक यहाँ पे आप लिख लें ये भी 17.5 डिग्री का है और ये भी 17.5 डिग्री का है, ठीक है बेटा एंगल, और ये टोटल वर्टिकल एंगल कितना आ जाएगा, उनको प्लस करेंगे तो 35 डिग्री का। अच्छा बेटा पार्ट नंबर 9 और 10 बिल्कुल सेम टू सेम है। अब ये थोड़ा सा डिफरेंट आ गया क्वेश्चन कि एल्टीट्यूड आपको दिया गया, बेस एंगल आपको दिया गया, बेस एंगल 45 डिग्री का। आपको मालूम है ये टू बेस एंगल्स होते हैं, ये 45 डिग्री का है तो ये भी कितना होगा 45 डिग्री का, तो ये वर्टिकल एंगल कितने का होगा, आइए कैलकुलेट करते हैं। आपको मालूम है तीनों का सम 180 होता है, वर्टिकल एंगल प्लस 45 इज इक्वल टू 180, 45 दोनों प्लस के हो रहे हैं उधर जाके क्या हो जाएंगे माइनस के, इन तीनों को सॉल्व करेंगे आंसर आएगा 90 डिग्री। इट मींस अब वर्टिकल एंगल कितना बनेगा, वर्टिकल एंगल 90 डिग्री का बनेगा। आपके पास वर्टिकल एंगल आ गया 90 डिग्री का और 90 का हाफ कितना होता है 45 डिग्री। इट मींस अब आपने सबसे पहले अपनी मनपसंद एबी लाइन ड्रॉ करनी है, उसके बाद आपको बताइए यहां तक काम 5 सेंटीमीटर कंपास एक्सपेंड करनी है, स्केल के साथ एक आर्क लगानी है, इस पॉइंट का नाम सी होगा। अब आपने 45 डिग्री वर्टिकल एंगल आया था 90 डिग्री, वर्टिकल एंगल टोटल 90 डिग्री होता है, जब आप इस तरह से डायग्राम बनाओगे तो आधा इधर होगा आधा इधर, तो 90 डिग्री का हाफ कितना होता है आधा 45 डिग्री। तो अब आपने यहां पे रख के इसको यहां से प्रोटेक्टर के साथ इस पॉइंट सी के ऊपर 45 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है, फॉर एग्जांपल वो यहां आ रहा है और यहां आ रहा है, तो अब आप इस पॉइंट को इसके साथ ऐसे ज्वाइन करेंगे और इस तरह से इसको ऐसे पास करेंगे तो ये आपके पास एक ट्रायंगल बन जाएगी, ट्रायंगल ए बी सी, तो यही आपकी रिक्वायर्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल होगी जिसमें यहां पे भी एंगल 45 डिग्री का होगा और यहां एंगल भी 45 डिग्री का होगा। अंडरस्टैंड, इसी तरह आपका पार्ट नंबर 10 है, एल्टीट्यूड है 7 सेंटीमीटर और बेस एंगल है 55 डिग्री। सबसे पहले आपने ए बी लाइन लेनी है, पॉइंट डी सेलेक्ट करना है, पॉइंट डी में परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है, उसके बाद एल्टीट्यूड है 7 सेंटीमीटर, कंपास से आपने करना क्या स्केल के साथ अटैच करनी है, ज्वाइन करनी है और 7 सेंटीमीटर को एक्सपेंड कर लेना है, 7 सेंटीमीटर एक्सपेंड करने के बाद एक कट लगाना है, कट सी होगा, पॉइंट सी मिलेगा आपको। अब बेस एंगल 55 डिग्री दिया गया, आपको मालूम है ना आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये टू साइड्स इक्वल होती है और ये टू बेस एंगल्स भी इक्वल होते हैं, अगर ये 55 डिग्री है तो ये भी कितना होगा 55 डिग्री, ये देखिए बेस एंगल, तो ये वर्टिकल एंगल कितना होगा, तीनों का सम 180, तो इन दोनों को प्लस करके उधर जाकर माइनस करेंगे, दोनों प्लस हो रहे हैं तो जाकर माइनस हो जाएंगे, कैलकुलेशन करेंगे 70 आंसर आएगा, तो ये वर्टिकल एंगल होगा 70 डिग्री। अब आपने यहां पे टोटल 70 डिग्री बनाना है यहां पे, ठीक है, लेकिन आप आधा एंगल इधर बनाएंगे आधा इधर, तो 70 डिग्री का हाफ कितना होता है 70/2 इज इक्वल टू 35.5, ओके बेटा, तो 35 डिग्री होता है 70 डिग्री का हाफ, ओके बेटा, तो 35 डिग्री का एंगल आपने ड्रॉ करना है जिस यहां पर सी पॉइंट पर, इस साइड से भी और इस साइड से भी, फर्स्ट करें आपने ये ड्रॉ कर लिया 35 डिग्री का एंगल, ठीक है। अब आपने इनको ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन के साथ ज्वाइन कर देना है, पॉइंट्स आएंगे आपके पास 35 डिग्री के विद द हेल्प ऑफ द प्रोटेक्टर, तो प्रोटेक्टर आप यहां पे एडजस्ट करेंगे और 35 डिग्री का एंगल यहां से भी ड्रॉ करेंगे और प्रोटेक्टर को जब घुमा के आपने इस तरफ से ऐसे रखना है इस तरह से, तो यहां से भी 35 डिग्री नीचे की जाने से देखेंगे तो वो यहां आता होगा 35 डिग्री, ठीक है, तो पॉइंट्स आ जाएंगे, स्केल रखे उनको आप ऐसे ज्वाइनिंग दे दें तो आपके पास एक ट्रायंगल बनेगी और यहां पे दोनों एंगल्स कितने होंगे 35 डिग्री के, ठीक है, तो उनको प्लस करें तो टोटल वर्टिकल एंगल 70 डिग्री निकल आएगा, ओके। आई होप बेटा आज आपने सीखा कि किस तरह से आइसोसेलेस ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं विद द हेल्प ऑफ एल्टीट्यूड एंड वर्टिकल एंगल एंड विद द हेल्प ऑफ एल्टीट्यूड एंड बेस एंगल्स, थोड़ा सा डिफरेंट था कॉन्सेप्ट, अच्छे तरीके से आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है अंडरस्टैंडिंग के साथ, ओके बेटा, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।